शेख हसीना पीएम के पद से इस्तीफा देकर राजधानी ढाका छोड़ चुकी है। बांग्लादेश में आरक्षण के मसले पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बेकाबू हो गया है। अगर विरासत बचानी है तो जनता के साथ समन्वय बैठाना ही पड़ेगा। बांग्लादेश 52 साल बाद एक बार फिर आर्मी के हाथों में है। देश में कर्फ्यू लगा हुआ है। शेख हसीना पीएम के पद से इस्तीफा देकर राजधानी ढाका छोड़ चुकी है। आज के शो में हम जानेंगे आखिर क्यों सुलग रहा है बांग्लादेश, शेख हसीना के किन किन गलतियों की वजह से देश के बिगड़े हालात, आखिर ऐसा क्या हुआ जो शेख हसीना को इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा, और भी जानेंगे बहुत कुछ आज के अपने शो में। नमस्कार, मैं हूं काजोल नारायण और आप देख रहे हैं भारत एट नाइन। बांग्लादेश में आरक्षण के मसले पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बेकाबू हो गया है। देश के हालात बिगड़ चुके हैं। पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, वो देश छोड़कर भाग गई हैं। वो भारत आ गई हैं और यहाँ से लंदन जाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। इन सब घटनाक्रम के बीच सेना ने बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में ले ली। लेकिन सवाल ये है कि केवल आरक्षण के मसले पर ही प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि वहाँ की सरकार इनको संभालने में नाकाम हो गई। दरअसल इस प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर सामने आई जो काफ़ी कुछ इशारा कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया। बांग्लादेश की राजनीति में शेख मुजिबुर रहमान का कद कुछ ऐसा है जैसा भारत में महात्मा गांधी। जिस तरीके से हम महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरह बांग्लादेश की आवाम में मुजिबुर रहमान बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं। मुजिबुर रहमान ने भारत के सहयोग से 1971 में पाकिस्तानी जुर्म का मुकाबला किया और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आज़ाद मुल्क की स्थापना कराई। हालांकि इतना बड़ा काम करने के बावजूद मुजिबुर रहमान को लेकर बांग्लादेश की आवाम का एक तबका हमेशा से ही उनके खिलाफ रहा। यही कारण है कि देश को पाकिस्तानी सेना और सरकार के जुर्म से मुक्ति दिलाने वाले शेख मुजिबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को उनके पूरे परिवार के साथ हत्या कर दी गई। उस वक्त बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। उनकी हत्या के बाद देश में सैन्य शासन स्थापित कर दिया गया। इस हत्याकांड को कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की सेना के एक धड़े ने ही अंजाम दिया था। अभी कुछ घंटे पहले तक बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना और उनकी बहन इस हत्याकांड में बच गई थी, क्योंकि उस वक्त ये दोनों बहनें भारत में पढ़ाई कर रही थी। दरअसल बांग्लादेश की आवाम शुरू से ही दो धड़ों में बटी रही है। एक धड़ा कट्टरपंथियों का है जो पाकिस्तानी सेना का जुर्म सहने के बाद भी आज भी पाकिस्तान के करीब है। हालांकि ऐसे कट्टरपंथियों की संख्या बहुत कम है। ये कट्टरपंथी समुदाय मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के समर्थक रहे हैं। इनकी नेता बेगम खालिदा जिया रही हैं। वो बांग्लादेश के पूर्व सैन्य शासक की बेगम हैं। बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि जब भी आवामी लीग कमज़ोर पड़ती है या जनता पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती है, तब तब बीएनपी और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो जाती हैं। ये कट्टरपंथी ताकतें इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन करती हैं। इसमें अधिकतर लोग वो हैं जो मूल रूप से उर्दू बोलते हैं। दरअसल 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त बिहार और पूर्वी यूपी से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी यानी कि पूर्वी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में जाकर बस गए। लेकिन 1971 में पाकिस्तान के बंटवारे के कारण ये अपने ही मुल्क में बाहरी हो गए। इनके जहन में अभी भी पाकिस्तान के प्रति प्रेम बना हुआ है। आइए जानते हैं आखिर क्यों बढ़ी शेख हसीना के प्रति लोगों की नाराजगी। ऐसे में बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को देखते हुए पाकिस्तानी हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीते कुछ समय से आवाम पर शेख हसीना की पकड़ कमजोर पड़ी। उनकी नीतियों की आलोचना हो रही थी, साथ ही लंबे समय यानी कि 6 जनवरी 2009 से वो पीएम हैं। इस कारण उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी है। उन पर चुनावों में हेराफेरी के आरोप भी लगते रहे हैं। इन सभी कारणों के आधार पर आवाम में उनके खिलाफ नाराजगी से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में संभव है कि पाकिस्तानी खुफिया तंत्र ने इस नाराजगी को और सुलगाने की कोशिश की। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंचे। आइए जानते हैं आखिर वो क्या वजह रही जिनके चलते शेख हसीना के खिलाफ पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में इनके प्रति इतना गुस्सा बढ़ गया। वो क्यों लगातार बांग्लादेश में बदनाम होती गई और किन हरकतों की वजह से अपने ही देश को छोड़कर जाना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को लंबे कार्यकाल के दौरान कई नेगेटिव बातों का सामना करना पड़ा। उन पर हाल के दिनों में विपक्ष के दमन और तानाशाही का भी आरोप लगने लगा था। देश में करीब एक महीने से कहीं ज्यादा समय से आंदोलन चल रहा था।
आंदोलन पहले छात्रों के नौकरी में कोटा के विरोध में शुरू हुआ, लेकिन फिर ये व्यापक तौर पर शेख हसीना सरकार के खिलाफ गुस्से में बदल गया। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे। माना जाता है कि पर्दे के पीछे इसमें विपक्ष की एकता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शेख हसीना कुल मिलाकर लगभग 15 सालों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। उनका पहला कार्यकाल जून 1996 से जुलाई 2001 तक रहा। बाद के चुनावों में जीत हासिल करने के बाद वो 6 जनवरी 2009 से इस पद पर हैं। वो बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करने वाली प्रधानमंत्री तो जरूर रहीं, लेकिन वो समय के साथ तानाशाह भी बनती चली गई। असहमति जाहिर करने वालों का दमन। हसीना के प्रशासन में विपक्षी आवाजों और असहमति को व्यवस्थापित रूप से दबाने का आरोप लगता रहा। सत्ता में उनके लंबे शासनकाल में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन, असहमति के दमन की घटनाएं सामने आई। उन्होंने विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ साथ विरोध प्रदर्शनों को भी दबाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हाल के विरोध प्रदर्शनों में भी उनकी सरकार की प्रतिक्रिया विशेष रूप से हिंसक रही, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की खबरें आईं। बड़े पैमाने पर लोग हताहत भी हुए। लोकतांत्रिक मानदंडों को खत्म कर दिया। आलोचकों का तर्क है कि हसीना की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को कमजोर कर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान चुनाव धांधली और हिंसा के आरोप से घिरे रहे। सरकारी एजेंसियां उनके इशारों पर साजिश रचकर विपक्षी नेताओं को जेल में डालती रही या उन पर मुकदमों का अंबार लगा दिया। कुल मिलाकर पुलिस से लेकर अन्य सरकारी एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम ज्यादा किया। निष्पक्षता पर चिंताओं के कारण प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बार भी चुनावों का बहिष्कार कर दिया। इसने देश में अजीब सी स्थिति पैदा कर दी थी। गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत दिनों से पल रहा था। मानवाधिकार उल्लंघन। हसीना की सरकार के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन की कई रिपोर्टें आईं, जिसमें लोगों को जबरन गायब करना, न्याय से परे जाकर हत्याएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन दुर्व्यवहारों का दस्तावेजीकरण किया, जिसमें परिणाम स्वरूप पश्चिमी देशों ने इन उल्लंघनों से जुड़े कुछ सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रतिबंध भी लगाए। नौकरियों में आरक्षण का मामला। हाल ही में शेख हसीना सरकार ने नौकरियों में उन लोगों को कोटा दे दिया जिनके परिवार वालों ने 1971 में देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब इसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़क गया। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। हिंसा हुई। हालांकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक सारा देश धधक चुका था। विपक्ष ने भी इस आंदोलन को और हवा दे दी। नतीजतन बांग्लादेश में गुस्सा और बढ़ गया। पिछले 3 दिनों से ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। व्यापक हिंसा, आगजनी, अफरा तफरी का माहौल था। मीडिया पर लगाम। हसीना प्रशासन को प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को अक्सर उत्पीड़न, कानूनी कार्रवाई या शटडाउन का सामना करना पड़ा। इससे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई लोगों को सरकारी गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का डर सताने लगा। हसीना एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन अब इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जो लोकप्रिय जनादेश के जरिए नहीं बल्कि दमन के जरिए सत्ता में बनी रही। बाद में वो खुद देश के गुस्से का शिकार हो गई और एक अलोकप्रिय तानाशाह की तरह उन्हें देश से भागना पड़ा। लोकतंत्र में तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सत्ता संघर्ष से मिलती है। अगर विरासत बचानी है तो जनता के साथ समन्वय बैठाना ही पड़ेगा। इतिहास गवाह है, तानाशाह मारे जाते हैं या भाग जाते हैं। आज के शो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। हम कल फिर मिलेंगे किसी नए प्रकरण के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।